जय श्री राम साथियों जय हिंद भारत माता की जय जय रक्तराज पुताना जय भवानी जय शनिदेव जय हिंद वंदे मातरम सभी साथी जुड़ जाइए और सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है जैसा कि आपको सब आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से मेरा एक्सीडेंट हो रखा था और इस वजह से संगठन थोड़ा सक्रिय नहीं था और हम लोग कुछ दिनों से इतना सक्रिय रूप में काम नहीं कर पा रहे थे हिंदुस्तान के हर राज्यों में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी की चीज़ के विषय में काम करता हूं या किसी चीज़ के पीछे ऊर्जा लगाता हूं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो आज उद्देश्य है उस पर मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं जिस वजह से मैं बहुत ही कम उम्र में भारतीय राजनीति में आया था जिस वजह से मैंने श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री का कार्यभार संभाला था जिस वजह से मैंने दस साल तक हिंदू वाहनी का काम किया जिस वजह से मैंने तमाम सारे संगठनों में एक सक्रिय रूप से काम किया और एक जिम्मेदार युवा की तरह काम किया तो उसका जो मेरा सपना था जो सपने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी से तो मेरा निवेदन है कि आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक मैं अपनी बात शुरू करूं तब तक आप फेसबुक पर जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर कीजिए शेयर कीजिए इनवाइट कीजिए सभी जगह ऐड करिए ज्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और मैं आप सभी से आज आप सभी का कीमती दस मिनट चाहता हूं तो दस मिनट तक आप सभी कहीं जाइएगा मत मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि मैंने आप सभी से बताया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि किस तरीके से भारत देश का जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य है हम युवाओं का जिस वजह से आज पूरा भारत का हर सामान्य युवा परेशान है वो है सबसे बड़ी वजह आरक्षण तो आज मैं आरक्षण के विषय पे आप सभी से बात करना चाहता हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिए इन्वाइट करिए सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए आप लोग सोशल मीडिया पे पंद्रह पंद्रह घंटे देते हैं मैं आपसे दस मिनट मांगता हूँ दस मिनट के लिए जितना भी वीडियो वायरल कर पाए वायरल कीजिए सभी लिंकों में शेयर कीजिए जितने भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे सब जगह लिंक को शेयर कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देश के युवाओं तो तक आज ये वीडियो पहुँचना चाहिए क्योंकि बहुत कम ही मैं लाइव आता हूँ जब मैं लाइव आता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी ऊर्जा खराब नहीं जानी चाहिए क्योंकि मैं अपना जो संदेश है वो पहुँचाना चाहता हूँ तो साथियों आज मैं बात करना चाहता हूँ देश के युवाओं का सबसे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो आज पूरा देश जिससे झेल रहा है आरक्षण आज मैं आरक्षण के विषय में आप सभी के बीच लाइव आया हूं मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा वो वजह है जिस वजह से बनारस में वो पुल गिर जाता है जिसका निर्माण हुआ था मोदी जी के काल में कौन सा वो वजह है बनारस का वो पुल गिर गया था आप बता सकते हैं उसके इंजीनियर का आप सर्टिफिकेट चेक करिएगा मार्कशीट चेक करिएगा आपको पता चल जाएगा कि वो किस समाज से आते हैं आरक्षण की भीख में जो लोग इंजीनियर बन जाते हैं डॉक्टर बन जाते हैं कौन होते हैं वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते समय जेब पेट के अंदर कैंची भूल जाते हैं कौन होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में बैठ रहे डॉक्टर जो पचास पचास प्रतिशत इलाज जो होता है जो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है मरीज मर जा रहा है दम तोड़ दे रहा है पता है क्यों क्योंकि जो देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं वो इंजीनियर बन के पुल नहीं बना पा रहे हैं वो सड़कों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं वो सिविल सर्विसेज में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आज सबसे ज्यादा झेलने वाला जो कौम है जो जाति है वो हम हैं और आप हैं सवर समाज राजपूत समाज ब्राह्मण समाज वैश्य समाज बनिया समाज मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं से कि अब वो समय आ गया है कि हमको और आपको मिलकर कुछ बड़ा करना है बड़ा करने का अर्थ मैं इस वीडियो पे आज मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो बहुत लोगों को खराब लगेगा और बहुत लोगों को शायद मेरा साथ देने में अच्छा भी लगेगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर हम सभी मिलकर आरक्षण के प्रति कुछ ऐसी लड़ाई लड़ें जिस पर पूरे हिंदुस्तान में आ आना चाहिए बाउंडर का अर्थ होता है कि सरकारों को पता चल जाए कि अब इनकी नहीं सुनोगे तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और मैं जितने भी संगठन है मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो को आप शेयर करेंगे तो मेरा आप लोगों से तो जो बात कहना है वो तो तो पहुंच ही जाएगी कभी ना कभी ना तो मेरे जो 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 समर्थक हैं 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 सपोर्टर सैनिक कार्यकर्ता पदाधिकारी अन्य सभी राज्यों में संगठन के लोग हैं वो तो मेरा वीडियो देखेंगे ही मगर मैं उन नए लोग को वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो और अन्य सभी संगठनों में और पार्टियों में बैठे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए क्योंकि इस वीडियो के जाने के बाद मैं कल सुबह से ही एक लाठी और एक डंडा लेके खोजूंगा कुछ लोग को इसलिए मैं चाहता हूं कि जिनको मैं खोजने वाला हूं लाठी और डंडा लेके क्योंकि हाथ अब सही हो रहा है धीरे धीरे और जब हाथ सही होता है जब शेर के दांत सही होते हैं तो खून मांगता है खून तो मेरा भी हाथ अब जो है कुछ लोग की गर्दन मांग रहा है कुछ के चेहरों पर मिला के कंटाप मारने का मन कर रहा है तो हम सही होंगे तो गिरा के मारेंगे दो चार को ठोकेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समाज में जिनको मारने में भी बहुत जरूरी है मैं बताऊंगा किन किन का इलाज करना है पहले मैं बता दूं आप सभी को वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं कहना चाहता हूं जितने भी संगठन के लोग हैं देश के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना करनी सेना भारत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हिंदू वाहन आर एस एस बजरंग दल जितने भी संगठन है देश के अंदर चाहे वो जातियों हो के हों चाहे वो हिंदुओं हो के हों उन सभी संगठनों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को सुनिएगा बिल्कुल सुनिएगा क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि अंबेडकर के विषय में आज मैं बात करना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर जिनका हवाला देता है चंद्रशेखर रावण का कल मैं एक वीडियो देख रहा था उस भड़वे का उस हिजड़े का मैं एक वीडियो देख रहा था कुशीनगर का कुशीनगर में बैठ के वो कह रहा था बैठ के कि मैं बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहता हूं मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहता हूं तो आप ये बताइए कि अब वो दिन देखने को जाएगा कि कोई चमार बैठ के हमारे ऊपर राज करेगा बताइए बताइए चाहते हो तो बताइए किटो की गाली सुन के उनके उनको पानी पिलाने का दिन आ गया है क्या उनका झंडा उठाने का दिन आ गया है क्या उनको नमस्ते करने का दिन आ गया है क्या या उनकी जी हजूरी करने का दिन आ गया है तो मैं मान, मैं बोलना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि जिस तरीके का हम आंदोलन करेंगे भारत देश के अंदर अगर भारत के प्रधानमंत्री हमारी बात को सुनते हैं तो सुनते हैं नहीं सुनते हैं तो मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से शायद ये वीडियो बहुत लंबे समय तक जाएगा ज्यादा ज्यादा लोगों तक तो पहुंचेगा मैं बताना चाहता हूं हूँ रघुवंशियों के राजपूत हूं और छत्री जो बोलता है वो करता है एक छत्री होने के नाते मैं मां भवानी कसम भाई के वचन देता हूं अपने देश के सभी बयालीस परसेंट सवालों को कि अगर भारत देश के प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी तो सुनी नहीं तो मोदी इस देश के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे मैं वादा करता हूं सरकार ही नहीं चलने दूंगा मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कांग्रेस लाऊंगा दूसरी सरकार ले आऊंगा नहीं मैं देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा चाहे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जेल भेज दिया जाए मेरे ऊपर आरोप लगाया जाए केस लगाया जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं अपनी तरह सलभ प्रताप सिंह की तरह लाखों युवाओं को अपने साथ लेके जाऊंगा मैं पहली बात बोलना चाहता हूं जिनको मुझ पर भरोसा है उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में भारत देश के अंदर कुछ ऐसा करना है जो दिल्ली में बैठे अन्ना हजारे ने किया था आंदोलन करके वो भी छोटा पड़ जाए रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे ये सब बैठ के जो आंदोलन कर रहे थे वो भी बहुत छोटा पड़ जाए वो कुछ नहीं है जो हम करना चाहते हैं मैं जीवन में अपना जितना भी मेहनत किया हूं बहुत कुछ खोया हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दू कि सलभ प्रताप सिंह ने अपने समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपने समाज के लिए लड़ने के लिए अपने समाज के लिए कन्हैया से दुश्मनी भीम आर्मी से दुश्मनी चंद्रशेखर से दुश्मनी एजाज खान से दुश्मनी और वैसी भाइयों से तो दुश्मनी मतलब जितने भी हराम खोर लोग सबसे मैंने दुश्मनी लेकर अपने ऊपर बहुत मुकदमे बहुत केस और बहुत जानलेवा हमले भी करवाए हैं तो मैं खराब नहीं जाने देना चाहता हूँ कल को ये मत कहना कि कोई आनंद पाल था आनंद पाल के बाद कोई सलभ प्रताप सिंह था मैं भी उनकी तरह गोली खा के चला जाऊं इस देश से और आप लोग मेरा नाम ही लेके कोई सलभ प्रताप सिंह था तो मैं था नहीं बनना चाहता हूँ मैं ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां हमारी हैं जो आप लोग हैं उन्हें वो दिक्कतें ना हो जिस वजह से दिक्कत हो रही है बाबा साहब अम्बेडकर के लोग कहते हैं कि उनको दिल्ली की गद्दी पर राज चाहिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो दस साल के लिए कहा था क्या आप आरक्षण को मानिए और दस साल के बाद भी आज हमारे देश के अंदर वही आरक्षण चल रहा है बार बार तो क्यों चल रहा है वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों मैं चाहता हूं कि वायरल कीजिएगा मेरी आवाज को क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक शलभ प्रताप सिंह की ये सोच पहुंच पाएगी जो मैं करना चाहता हूं वो पहुंच पाएगा उसके लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है कोई ऊर्जा नहीं पड़ती सिर्फ आप शेयर कीजिए लिंकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जितने ज्यादा अधिक लोगों को जोड़ेंगे शायद उनके खून में वो उबाल आ जाए जो उबाल मैं चाहता हूं और मैं देश के सभी संगठनों से कहना चाहता हूं कि आने वाले दो तीन महीने बाद मान के चलिए कि अभी ठंडियों का समय है कोरोना काल भी है सरकार शायद इजाजत नहीं देगी हम कुछ करेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा पहले ही इसलिए मैं चार महीने का समय देता हूँ अप्रैल तक में देश के सभी युवाओं को तैयारी करनी है चाहे उसके लिए खून बेच के पैसा लाना पड़े चाहे चंदा इकट्ठा करना पड़े चाहे अपने घर से खर्चा करना पड़े जहां से भी करना पड़े हम इकट्ठा करेंगे और हम भारत देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए मत सोचिएगा कि मैं आपसे पैसा मांगूंगा आप अपनी व्यवस्था अपने हाथ रखिए जितने भी देश के युवा हैं उन्हें मजबूत होना पड़ेगा अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन हो एक ऐसा आंदोलन हो कि देश की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं। चाहे सड़क हो चाहे रेल हो चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज हो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे स्टेशन हो चाहे बसे हो चाहे परिवहन हो सब किसी को ध्वस्त कर दिया जाए इतना तगड़ा आंदोलन करना है उसके पीछे चाहे कितना भी कुछ खर्च करना पड़े कितने भी जेलें भरनी पड़े मैं देश के युवाओं को और अन्य सभी संगठन के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर जितने भी समर समाज के लोग हैं जो अलग अलग संगठनों में और पार्टियों में हैं आने वाले अप्रैल के बाद में अगर मेरा साथ नहीं देते हैं तो मैं उनको लाठी लेकर खोजूंगा मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई हराम कहता है कि आरक्षण हमारे लिए बहुत गलत है आरक्षण हमारे लिए अभी साफ है और वो लड़ाई मेरे साथ नहीं आएगा तो सबसे पहले तो उस हराम को मारूंगा चाहे कितना बड़ा नेता हो भोसडी वाला चाहे कितना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गांड में लाठी डाल के उलाट दूंगा अगर अब कोई साथ नहीं आता है तो और वो कोई भोसड़ी वाला अपने आप को संवर कहता है और मेरे साथ आंदोलन में साथ नहीं आएगा तो उस हराम खोर को मैं बोलूंगा तुरंत धर्म परिवर्तन करा लीजिए नहीं कराओगे तो मस्जिद के अंदर बैठ के कलमा पढ़ा दूंगा और मुस्लिम बनवा लोगों ने भोसड़ी वाले मगर साथ देना है तो भी अपने आप को संवर गिनना और कोई राजपूत अगर नहीं आता है तो मैं मान जाऊंगा कि वो राजपूत है ही नहीं कोई जगह राजपूत क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा लड़ाई राजपूत की लड़ी है दिन दिन रात रात घंटा साल कई सालों से मैं राजपूतों के लिए को दिन देख किया हूं और अगर देश का देश का का ब्राह्मण समाज देश का समर्थ समाज साथ नहीं देता है तो जो नहीं साथ देगा उसकी भी लिस्ट बनाई जाए मैं साफ करना चाहता हूं क्योंकि आरक्षण के प्रति अगर आप नहीं लड़ेंगे आप अगर एक होकर नहीं आएंगे कुछ बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में और जो चीजें दस साल के लिए थी आरक्षण जैसी चीजें वो आज के दिन सत्तर अस्सी साल हो गए वही चीज चल रही है पहले तो कम से कम कहिए कि कुछ नौकरियों में आरक्षण था अब तो हर चीज में आरक्षण है प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण है सिविल सर्विस में आरक्षण है जो है एडमिशन में आरक्षण है पढ़ाई में आरक्षण है नौकरी में आरक्षण है हर चीज में आरक्षण है तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं है जहां पे अगर आप कहते हैं कि सामान्य सीट हो जाती है तो वहां से लड़ता है तो अन्य जाति पाती उन सीटों से इसका विरोध कभी किसी ने किया नहीं किया हमें क्या करना है चार पांच जीपे गाड़ियां इकट्ठा कर लेनी है झंडे लगा लेने हैं रैलियां निकाल लेनी है तलवार लहरा देनी है भौकाल बना लेना है कि हम भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पीछे काफिला चलता है हमारे पीछे रैली चलती है तो उससे समाज कुछ नहीं होगा उससे आप अपना प्रचार कर सकते हैं अपना जो है अपनी दुकानें चला सकते हैं मगर मेरे समाज कुछ नहीं होगा मैं बहुत कड़वा बोलता हूं शायद मैं पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुलकर बोलता हूं और मैं उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को बोल रहा हूं जो मेरे साथ में मैं देश का सबसे बड़ा आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूं अप्रैल के बाद मैं उस आंदोलन को करूंगा अभी मैं कुछ चीजों की व्यवस्थाएं बना रहा हूं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं जो लगेगा जैसे लगेगा तन मन धन सब मजबूत कर रहा हूं और मजबूत होने के बाद चाहे सैकड़ों दिन तक वो आंदोलन चले देश के अंदर हम घर वापस नहीं आएंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे अगर ऐसे युवा है देश के अंदर जिन्हें दर्द है मेरी तरह तो वो आगे आएंगे नहीं है तो उनको अपना धर्म परिवर्तन कराना होगा उनको तुरंत मस्जिद जाके कलमा पढ़ना होगा मुसलमान बन जाना होगा अपने आप को क्षत्रिय मत कहना ब्राह्मण मत कहना देश का कोई भी ऐसा समर जो साथ नहीं देगा इस आंदोलन में उसको मैं समर मानूंगा ही नहीं छत्री राजपूत ब्राह्मण मानूंगा ही नहीं उसको मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा कि वो इस्लाम धर्म ले ले मेरे धर्म में रह के मेरी जात में रह के अगर अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते हैं लड़ नहीं सकते तो साथ नहीं दे सकते साथ नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं कर सकते या कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि आप साड़ी पहन लीजिए हम भिजवा देंगे चूड़िया पहन लीजिए हम भिजवा देंगे पहन के अपने घर में बैठिए और जिसके अंदर दम है सड़कों पर लाठिया खाने का सरकारें हिलाने का बस टेम्पो ट्रेन पटरी उखाड़ने का पूरे देश के अंदर बाउंडर काटने का वो मेरे साथ आगे आए क्योंकि हम सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं अगर आप साथ देंगे तो आप नहीं साथ देंगे तो हमको क्या है हम तो खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के बार मोदी के घर के बाहर कहेंगे के सुनो नहीं तो अपने आप गोली मार लेंगे क्या हो जाएगा और हम मार भी लेंगे हम बहुत पागल आदमी जानते हो गए मेरे बारे में तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिसको दर्द है आरक्षण का जिसको दर्द है कि खत्म होना चाहिए वो आज से ही तैयारियां करे अगले चार महीने तक मैं आप लोग को समय दे रहा हूं जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा जहां भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में अरुण अरुण सिंह जी अरुण प्रताप सिंह जी हैं गुजरात में हमारे चिराग जी हैं महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बंगाल में शिवजी सिंह जी हैं गोविंद गुप्ता जी हैं जहां भी हमारे अलग अलग राज्यों में हैं बिहार से लेकर झारखंड छत्तीसगढ़ हर जगह मैं सभी पदकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी तैयारियां कीजिए और जो संगठन में नहीं है अन्य सभी संगठन में है वो भी तैयारी करेगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां मुझे अरविंद केजरीवाल की तरह सीएम नहीं बनना है न चुनाव लड़ना है मगर मुझे देश के आरक्षण को खत्म करना है उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए और अप्रैल बहुत बड़ा सा टाइम होता है आपको चार महीना दे रहा हूं अगले चार महीने तक मुझसे जो भी बात करेगा फोन करेगा या अपना काम बताएगा या अपना ज्ञान पे लेगा तो पहले बताएगा वो तैयारी क्या कर रहा है जिस आंदोलन को मैं सपना देख रहा हूं कि मैं इस आंदोलन को करने के बाद भारत सरकार से लोहा लेके आरक्षण को खत्म करके ही मानूंगा हम राम मंदिर बनवा सकते हैं हम ट्रिपल तलाक खत्म कर सकते हैं हम 370 हटवा सकते हैं हम एक हटवा सकते हैं हम एनआरसी और सीए का समर्थन कर सकते हैं तो हम आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर सकते आप बताइए और मैं बार बार इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं जहां तक ये वीडियो जाएगा अगर किसी भी संगठन के लोग चाहे श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना हो कंडी सेना भारत हो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो पुरुष सेना हो या संवर्ण आर्मी हो या जितने भी सेना और आर्मी है जितने भी समाज के संगठन हैं किसी भी संगठन के लोग जो आरक्षण के खिलाफ हम लोग के साथ नहीं आएंगे मैं उनको लाठी लेके खोजूंगा मैं साफ बोलना चाहता हूं जितने भी सवरण समाज के संगठन हैं सबको एक साथ होकर आना पड़ेगा मैं ये नहीं कहता मेरे अंदर विलय कर लो मेरे संगठन में आ जाओ मेरे साथ आकर नियुक्ति कर लो मेरे साथ विलय कर लो नहीं अपना संगठन चलाइए अपनी पार्टी चलाइए मगर जब मैं सड़कों पर उतरूंगा जब मैं देश की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा जब मैं आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ूंगा तब मुझे आप सभी का साथ चाहिए और साथ देना ही देना पड़ेगा नहीं तो आप अपने आप को सवर्ण मत कहिएगा राजपूत मत कहिएगा ब्राह्मण मत कहिएगा वैश्य बनिया मत कहिएगा आप अपने आप को इस्लाम धर्म अपना लीजिए ईसाई बन जाइए देश के अंदर मैं साफ बता दे रहा हूं क्योंकि मैं तो बहुत कुछ करने वाला हूं अगर देश ने मेरा साथ दिया तो मैं कसम खाता हूँ अपनी बिटिया की माँ भवानी की भगवान शनिदेव की कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक महाराष्ट्र को देश से खत्म नहीं कर देंगे मेरे बारे में लोग जानते होंगे कि सलभ भी है जब जब, जब उतरे हैं तब तक कुछ नया करके आए हैं मैं कभी पीठ दिखा के वापस नहीं आया हूं जब जब, जब रणभूमि में उतरा हूं इतिहास बना के आया हूं चाहे पद्मावती का विरोध हो चाहे ट्विंकल का न्याय हो हैदराबाद में चाहे अलीगढ़ का मामला हो चाहे बहन प्रियंका रेड्डी की बात हो चाहे कश्मीर में झंडा फहराने की बात हो चाहे बिहार में कन्हैया कुमार को ठोकने की बात हो चाहे राजस्थान में भीम आर्मी का इलाज करने की बात हो मैं जब जब सड़कों पर उतरा हूं मैंने इतिहास बनाया है मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा एक शब्द भी अगर गलत होगा तो मैं आज के बाद आप सभी आप सभी सब के सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा और मैं अपने बारे में कहता हूं कि अगर मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो आपका कुत्ता आपके कुत्ते के पिसाब से हम मूंस में लेंगे क्योंकि आज की डेट में जब खड़े होके ये भीम आर्मी वाले ये बसपा वाले ये सपा वाले जो आरक्षण पा गए हैं उसके बाद भी हमारे ऊपर चढ़ने की बात करते हैं हम लोगों के विपरीत बात करते हैं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के समर समाज के लोग हावी हो रहे हैं इनको वोट नहीं देना इनका साथ नहीं देना है इनके खिलाफ रहना है क्यों हमने आरक्षण दे दिया हमने नौकरियां दे दी हमने जमीन दे दी हमने अपना गहना जवरात दे दिया हमने अपना सब कुछ लौटा दिया हमारी जमीनें सीलिंग में चली गई आज साले हम तुमसे गाली सुने हैं आज हम अपने घर के बच्चों की नौकरी तुमको दे दें। आज तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ हम तुम्हारे घर के बाहर चबरासी बन जाएं। आज तुम एसपी साहब बन जाओ और हम तुम्हारे पीछे बंदूक लेके चले आज तुम साला सड़क बनाओ और हम उस पर बैठ के जो है मजदूरी करें क्यों आरक्षण की वजह से देखिए मैं धर्म रक्षक सेना बना मैंने धर्म रक्षक सेना का निर्माण किया और धर्म की रक्षा में सबसे बड़ी बात होती है कि हम अधर्म के खिलाफ लड़ें और देश में सबसे बड़ा अधर्म यह है कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको घर बैठा दिया गया है और जो सड़क छाप जो चूतिए टाइप के जो अनपढ़ गवार लोग हैं जिनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है जो कूड़े बीनने वाले जो नाली साफ करने वाले लोग हैं वो आज अधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर और पुलिस अधिकारी बन के बैठे हुए हैं तो अधर्म तो सबसे बड़ा यही हो रहा है देश के उन युवाओं के साथ जिनके अंदर प्रतिभा है फिर भी वो दुकान चला रहा है फिर भी वो बैठ के ठेकेदारी कर रहा है फिर भी वो बैठ के गैंगस्टर गुंडा डॉन माफिया बन के बैठा हुआ है क्यों क्योंकि उसके पास काम नहीं मिला उसको नौकरी नहीं मिली उसको रोजगार नहीं मिला उसको सरकार में कोई स्थान नहीं मिला कोई जगह नहीं मिली तो अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अगर आप सभी साथ देंगे मेरा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाइएगा अगर जितने भी भाइयों का YouTube पर चैनल चलता होगा तो उनको YouTube पे वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आरक्षण के खिलाफ धम रक्षक सेना आने वाले चार महीने बाद अप्रैल के महीने से भारत देश का सबसे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है सबसे बड़ा आंदोलन करने का मतलब होता है कि पूरे भारत देश को तब तक बंद किया जाए पटरी ट्रेन बस टेम्पू ऑटो सब कुछ बंद कर दी जाए जब तक भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बात ना हो जाए कि आरक्षण खत्म करना है और बिल्कुल खत्म कर देना है दस साल तक की बात हुई थी आज की डेट में आप देख लीजिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से वीडियो खत्म होने से पहले एक बात आप और बता दूं मैं इस आंदोलन को ना करता मैं इस लड़ाई को ना लड़ता मगर अगर कोई मजिस्ट्रेट सवाल करना चाहता है या पूछना चाहता है कि मैं क्या क्यों कर रहा हूं और कहा कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दस साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्राइम जिन थानों में होते हैं उन थानों को क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड उठाइए क्राइम रिकॉर्ड में आप देखिएगा कि आपकी जाति से ज्यादा उन जातियों के लोगों का ज्यादा नाम होगा जो आरक्षण पाए हुए हैं ओबीसी एस और एस थाने में वो अपराध करें क्राइम सबसे ज्यादा वो करें आरक्षण उनको मिले तो हम क्यों भुगतान फिर आप बताइए और इकोनॉमी बता देता हूं अगर आप पैसे के मामले में देखना चाहते हैं तो किसी एक बैंक को पकड़ लीजिए और बैंकों में सबसे ज्यादा खाते किसके हैं हमारे समाज के हैं कि उनके समाज के हैं सबसे ज्यादा खाते किसके हैं और अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आप चेक करवा लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर हमारे आपकी तुलना में उनके पास पैसा ज्यादा है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है नौकरियां उनके पास ज्यादा हैं कि हमारे पास ज्यादा हैं तो वो लोग हमसे नौकरियों में ज्यादा धन में ज्यादा पैसे में ज्यादा सिस्टम में ज्यादा हर चीज उनको आरक्षण की भूख पे मिल गई और हमें नहीं मिली हम उसके बाद भी बैठ के गाली सुने हम उसके बाद भी बैठ के जेलों में जाएं हम उसके बाद भी बैठ के सरकारों के सिर्फ पांच साल में एक बार वोट देने के लिए हम पैदा हुए हैं नहीं चलने देंगे भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी अगर आरक्षण नहीं मिटाया जाएगा तो चाहे देश के नेता हमारी हत्या करवा दें हमें जेल भिजवा दें हमारी सुपारी दे दें जिनका नुकसान हो रहा होगा राजनीतिक पार्टियों का वो मुझे मरवाने का भी प्रयास करेंगे सलभ प्रताप सिंह कैसे आंदोलन की तैयारी कर रहा है मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं तो ऐसा आदमी हूं मुझे कोई मारने आएगा ना तो वो साला सोचेगा कि खुद के साथ मैं उसको ले डूबूंगा मैं ऐसा इतना हरामी आदमी हूं कि हम तो डूबेंगे सनम संग तुमको भी ले डूबेंगे कभी अजमा के देख लो कभी अजमा के देख लेना किसी के अंदर गूदा होगा तो निपट के देख लेगा इसलिए मैं आप सभी का विश्वास चाहता हूं मुझे डर नहीं है किसी का क्या होगा मेरा कैसे होगा मेरा परिवार के क्या होगा घर का क्या होगा वो मैंने बहुत पहले ही सब कुछ जो है कुर्बानी दे दी है बहुत पहले ही मैं सब कुछ दाव पर लगा चुका हूँ और आज की डेट में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी आने वाले अप्रैल चार महीने बाद आरक्षण के सबसे बड़े आंदोलन में मेरा साथ दीजिएगा आप सभी तैयारी कीजिए चाहे धन इकट्ठा करना पड़े चाहे बल इकट्ठा करना पड़े चाहे तन मन धन विद गन जो आप कर पाइए अपनी तरफ से इकट्ठा करिए और जब मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरूं तब आप सभी मेरा साथ दीजिए क्योंकि तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत देश का यह वो भविष्य जहां पे ऊर्जावान प्रतिभाशाली लोगों को घर बैठा दिया जाता है और जो साले सड़क छाप दो कौड़ी के गवार अनपढ़ के लोग होते जिनके अंदर कोई हुनर नहीं है वो आज बड़े बड़े अधिकारी आई एस पी सी एस डी एम एस पी कुतवाल बन के बैठे हुए हैं हैं। वो डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं और हमारे आज आपके परिवार के लड़के सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहे हैं व्हाट्सएप पे चीजें शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हैं आजकल कई सारे नेटफ्लिक्स और जी जी कौन-कौन सा ऐप आया उस पे बैठ के रात में पिक्चर देख रहे हैं क्या कर बताइए तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरा साथ दीजिए मेरे साथ सड़क पर उतरिए भारत देश के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर संगठन के साथ आइए आप देखिए कि इतना बवाल मचा दूंगा कि सीरिया और तालिबान को लोग भूल जाएंगे सिर्फ आरक्षण की मांग के लिए मेरा वादा है मेरा वचन है आप सभी से अगर आप सभी साथ देते हैं तो सीरिया और तालिबान को लोग भूल जाएंगे इतना आतंक मचा दूंगा हिंदुस्तान की सड़कों पे भारत सरकार के खिलाफ कि मुझे आरक्षण चाहिए या तो आरक्षण आप खत्म करिए या सभी जातियों को आप एक समान लेके आइए किसी भी जात को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है आपने संविधान में दस साल के लिए कहा था आप सत्तर साल तक क्यों चला रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है अरे यार जब मेरे साथ दो चार परसेंट लोग भारत के इकट्ठा हो गए थे तो मैंने पद्मावती के विरोध में पूरे भारत में कोहराम मचा दिया था अगर मेरे साथ में चालीस परसेंट लोग एक साथ आ जाएंगे ना तो मैं भारत देश के पृथ्वी पलटने की शक्ति रखता हूं अब आपके हाथ में है क्या आप सभी चाहते हैं कि हम अब तक के सबसे बड़े आरक्षण के इस आंदोलन में इस लड़ाई को लड़ें सड़कों पर उतरें आरक्षण को खत्म करें मिटाएं कुछ ऐसा कोहराम मचाए कि भारत सरकार मजबूर हो जाए आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप सभी नहीं चाहते हैं तो भी कमेंट में जवाब दीजिएगा आप सभी चाहते हैं तो भी जवाब दीजिएगा आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो भी जवाब दीजिएगा अगर आप सभी चाहते हैं सभी संगठन के लोग मेरे साथ रहेंगे सभी तो पार्टी के नेता जितने भी समर्थ समाज के लोग मेरे साथ आएंगे फिर भी जवाब दीजिएगा इस वीडियो को मैं आज इसीलिए बना रहा हूं मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं शेयर जितने ज्यादा ज्यादा कर दीजिएगा क्योंकि जब शेयर होंगे तो उन सभी भी लो मेरा सवाल का जवाब दे पाएंगे जो इस वीडियो को देखेंगे कि आने वाले चार महीने बाद धम रक्षक सेना भारत के सबसे बड़े आरक्षण के खिलाफ आंदोलन को करने जा रही है देश का कौन कौन सा ऐसा समाज का युवा है राजपूत ब्राह्मण है जो मेरा साथ देगा और जो नहीं देगा वो भी बता दे उसको मैं लाठी लेके खोजूंगा और जहां मिलेगा वहीं गिरा के मारूंगा और सबसे पहले उसका धर्म परिवर्तन कराऊंगा ये मैं माँ भवानी कसम खाता हूं क्योंकि मुझे अपनी कौम में अपनी जाति में अपने समाज में हिजड़ो नहीं चाहिए हिजड़ों की फौज नहीं चाहिए मौगा नहीं चाहिए मुझे मर्द चाहिए अपनी तरह और जो मर्द मेरा साथ दे सकते हैं वो मैदान में आएंगे जो नहीं दे सकते हैं वो बीबी के साथ कंबल में छुप के सेल्फी खींच के मुझे भेज देंगे मैं दोनों का धर्म परिवर्तन करवा दूंगा सीधी सी बात है खराब लग रहा होगा भाइयों हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कुछ अच्छी चीज के लिए हम आगे आते हैं कुछ बड़ा सोचते हैं देश के इस परिस्थिति को मिटाने की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमाने खाने में विश्वास रखते हैं दाल रोटी खाते हैं परिवार के साथ रहते हैं रात को कंबल ओढ़ के सो जाते हैं फिर झोला उठा के अपने ऑफिस चले जाते हैं तो मोदी जी तो कहते ही है कि मैं झोला उठा के आया था झोला उठा के चला जाऊंगा मगर झोला उठा के जब वो चले जाएंगे तो हमने उनको वोट नहीं दिया था कि वो भारत देश के समर्थ समाज के लोगों का भविष्य खराब करें हमने इसलिए वोट नहीं दिया था है कि आज हमारे समाज के लोग जो है सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं आज हमारे समाज के लोग वो हालात हो गई है कि अन्य सभी जात के लोग हमारे ऊपर हावी होकर राज कर रहे हैं और हम उनके सामने बैठ के सुन रहे हैं तो हम तो चंद्रशेखर आजाद की तरह भगत सिंह की तरह सोचते हैं कि ऐसी गुलामी से अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लू अब आपके हाथ में है कौन कौन साथ देना चाहता है ऐसे आंदोलन में वो मेरा साथ देगा व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है नाइन वन वन फाइव ट्रिपल जीरो ट्रिपल नाइन उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करेगा जो साथ देने के लिए आगे आना चाहता है मैं धर्म प्रक्ष सेना की नियुक्ति फिर से स्टार्ट कर रहा हूं संगठन का फिर से विस्तार करूंगा ज्यादा से ज्यादा राज्यों में ज्यादा ज्यादा जिलों में ज्यादा जैसा विधानसभा क्षेत्रों में गांव में हर एक गली में अपनी सेना को पहुंचाऊंगा क्योंकि मेरा सपना है कि मुझे भारत देश से आरक्षण को खत्म करना है उससे ज्यादा मैं ना प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं ना सांसद विधायक बनना चाहता हूं ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं मैं उससे बहुत खुश हूं उनका साथ देता हूं उनके एक सिपाही की तरह हर लड़ाई में उनके साथ रहता हूं और साईं की तरह चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री बने मगर जो मेरी मांग है वो सुनना पड़ेगा चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे अमित शाह हो मैं पूरे भारत देश के सभी सवर समाज के युवाओं की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले चार महीने बाद सड़कों के माध्यम से आंदोलन के माध्यम से यह मांग रखना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर से आरक्षण को खत्म किया जाए साथियों जो भी बाद में इस वीडियो को देखेगा अगर सच में आप चाहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो आप गुलामी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा और जो मुझ पर भरोसा करता है मेरा साथ देना चाहता है आने वाले चार महीने बाद सड़कों पर उतर के आंदोलन करने के लिए हम लोग के साथ रहेगा उन सभी से कहना चाहता हूं जितने भी जिले के लोग हैं वो कमेंट में अपना जिला लिखेंगे अपनी टीम के बारे में लिखेंगे अपने आप को मजबूत करेंगे और जो मेरा साथ देगा भारत देश के सबसे बड़े आंदोलन के लिए आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई के लिए वो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं मैं जान तो सकूं कि कौन कौन वो मर्द है जो लड़ाई लड़ेगा मेरे साथ शुभ रात्रि साथियों जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय आप सभी से पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को जो भी देखेगा वो शेयर जरूर करेगा और सोशल मीडिया के सभी ग्रुपों में शेयर करेगा मैं चाहता हूं कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक आज ये वीडियो पहुंच सके यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं और सपोर्ट चाहता हूं जो कि जब आप सपोर्ट करेंगे शेयर करेंगे तो शायद आपके जैसे और भाई मेरा साथ देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे जय हिंद साथियों जय सवर समाज माता की जय जय रक्त राजपूताना जय भवानी जय जाह हिंदो जय हिंद वंदे मातरम दबा के शेयर कीजिएगा साथियों जो भी इस वीडियो को देखेगा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जितने प्लेटफॉर्म है वहां तक मेरी आवाज को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और इस लड़ाई में मेरा साथ जरूर दीजिएगा जो नहीं देगा और मैं फिर से बोल रहा हूं अन्य सभी पार्टी और संगठनों के लोग संगठन के लोगों को कि अगर इस लड़ाई में आप मेरे साथ मैदान में नहीं आते हैं तो मैं आपकी गाड़ में लाठी डाल दूंगा बता रहा चूड़ी पहना के साड़ी पहना के नहीं घुमाया मैं तो मैं भी सलभ प्रताप सिंह रघुवंशी नहीं मैं अभी राम के वंशज का हूं और रकुल रक्कुली सदा चली जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए मैं अपनी भारत मां को मैं अपने देश को मैं अपने जात को मैं अपने कौम को वचन देता हूं कि जो साथ नहीं देगा उसको साड़ी पहनाऊंगा और साड़ी पहना के हाथ में चूड़ी पहना के लाठिया लाठी बजा के वीडियो बना के डालूंगा फेसबुक पे और यूट्यूब का नाम में गया है, मैं वहां के सासन सासन से, से बात कर रहा हूँ और मैं आप सभी से वचन देता हूं कि उन सभी भाइयों के लिए लड़ाई मैं लड़ूंगा मैं, जा, मैं जानता हूं कि कोई भी पार्टी संगठन आगे नहीं आएगा हर किसी के कारण में बूदा नहीं जो सलभ प्रताप सिंह के सीने में जिगरा है मैं वादा करता हूं साथियों लड़ूंगा मैं साथ दूंगा मैं उन सभी निर्दोष भाइयों को छुड़ाऊंगा बाहर निकालूंगा और किसी माई के लाल में दम नहीं है चाहे साला जेल में बम मारना पड़े भरोसा करिएगा मुझ पर के शेयर कीजिएगा मेरी आवाज को जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय